दिव्यांगों द्वारा अपने कई मांगों को लेकर संविधान चौक पर आमरण अनशन आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन दिव्यांगों द्वारा मनपा के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी अशोक पाटिल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर आंदोलन किया गया है। दिव्यांगों द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। दिव्यांगों को मनपा द्वारा स्टॉल दिए जाए, साथ ही घर टैक्स व पानी टैक्स में 50% सहूलियत दी जाए, ऐसी अनेक मांगों को लेकर दिव्यांगों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। अतिक्रमण विभाग द्वारा दिव्यांगों के ठेले पर कार्रवाई की जाती है। इन कार्रवाई को रोकने की मांग भी इस आंदोलन दौरान दिव्यांगों द्वारा की गई है। आज आंदोलन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन दिव्यांगों द्वारा मनपा के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी अशोक पाटिल की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। प्रतीकात्मक जो शव यात्रा जो निकाली जा रही है, ये कारपोरेशन के अतिक्रमण अधिकारी अशोक पाटिल की है। इसका कारण भी है कि अशोक पाटिल जी ने हमारे दिव्यांग को अभद्र तरीके से गाली दी है। उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं ये माइक के सामने वो बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अभद्र तरीके से गाली गलौज की है। और अगर मीडिया अगर चाहती है कि वो गाली की वीडियो ऑडियो अगर ये माइक के सामने अगर सुनाने की अगर अनुमति होगी तो मैं वो सुना सकता हूँ। हाँ, और हमारी जो काफ़ी दिन से जो मांगे चल रही थी, पिछले 12 साल से हम ये एक ही विषय पे लड़ रहे हैं कि दिव्यांगों को 8x6x8 का व्यवसाय स्टॉल मोची शेड की तरह, जो मोची शेड शहर में जो दिए गए हैं उसकी तरह दिया जाए। दिव्यांगों द्वारा यह प्रतीकात्मक शव यात्रा संविधान चौक से मनपा तक निकालकर अशोक पाटिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।